हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक। हम लोग कॉस्मोस पब्लिकेशन के महेश कुमार वर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह, जो वन लाइनर के फॉर्म में है, वो पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें सोशल साइंस में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसकी छठी क्लास है। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? विकाजी रुस्तम कामा ने। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? मैडम रुस्तम विकाजी कामा को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? सरदार उधम सिंह ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में। कौन सी क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित था? मदन लाल ढींगरा। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया? सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी घोष के द्वारा। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना वर्ष 1907 में तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना वर्ष 1913 में लाला हरदयाल, रामचंद्र वरकतुला, सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहनलाल भाकना के द्वारा किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना वर्ष 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वर्ष 1942 में रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में भी रास बिहारी घोष के द्वारा ही किया गया। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वह प्रभावी हुई थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में बटा था। पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जो कि हिंदू जनसंख्या वाला बाहुल्य क्षेत्र था, और पूर्वी बंगाल और असम था, जो मुस्लिम जनसंख्या वाला बाहुल्य क्षेत्र था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन में। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। हिंदी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदंबरम पिल्ले ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? वर्ष 1905 में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन ने किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक और मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने।
स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की थी, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चंद्र रॉय के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व पश्चात मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थन कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मुस्लिम लीग व मार्ले मिंटू सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में वर्ष 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां नवाब सलीमुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कराची में। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? अमृतसर अधिवेशन में, जो वर्ष 1908 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, पहला अधिवेशन वर्ष 1906 में ढाका में हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था, तीसरा अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था, और इसी अमृतसर में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग भी की गई थी। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई? अमीर अली के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1906 के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के में प्रकार की प्रतिनिधि की व्यवस्था की, किस प्रकार के प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। वर्ष 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? वायसराय मिंटो के द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने थे। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता, कांग्रेस दो गुटों में एक उदारवादी नेता और उग्रवादी यानी गरम दल और नरम दल में टूट गया था। उसमें उदारवादी नेता यानी नरम दल वाले नेता कौन कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और उग्रवादी नेता यानी गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? वेलेंटिना शिरोल ने। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक।
साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली दरबार भारत में तीन बार लगा। पहला दिल्ली दरबार वर्ष 1877 में, जिसमें वायसराय लॉर्ड लिटन थे। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में, जब उसके वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। और तीसरा दिल्ली दरबार वर्ष 1911 में, इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किसके संबंधित है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते से। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार से। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी और उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। अतिवादियों एवं उदारवादियों की पुनः एकीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पकार कौन है? एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा कराया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए? कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार लिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय था? होम रूल आंदोलन। फेवियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? एनी बेसेंट ने। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाएं किस वर्ष एक कर दी गई? 1918 में। वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनएम लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होता है, ना कि मालिक होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 में बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? एनएम जोशी। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मार्च 1919 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।